हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे, जिसके लिए मैंने आटा गूंद के पहले से ही रखा हुआ है। और ये हरी मिर्च और लहसुन को चॉप कर लिया है। ये एक चम्मच आमचूर पाउडर है, एक चम्मच है अजवाइन, एक चम्मच नमक है और एक छोटी चम्मच हल्दी है। ये तेल मैंने डाला 2 टेबल स्पून, उसमें अजवाइन को डाला, ये चटक जाएगी। उसके बाद लहसुन और मिर्च जो चॉप करके रखा है उसे डाल दिया। अभी अभी इसके बाद मैंने हल्दी और आमचूर पाउडर दोनों को डाल दिया, नमक भी डाल दिया मैंने। अब आलू बॉईल करके मैश करके रखी थी उसे भी डाल दिया। अब इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। हमारा आलू आप देख सकते हैं, इस तरह से आप मैश कर ले। अगर पूरे अच्छे से मैश नहीं रहेगी तो पराठे हैं वो फटने लगेंगे। हमारा आलू भुन चुका है, इसमें मैं धनिया पत्ता डाल दे रही हूँ। आप देख सकते हैं ये हो चुका है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। बहुत ही टेस्टी आलू के पराठे बन के तैयार होते हैं। ये आटा है, इसकी मैं लोई बना लेती हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से लोई बनाए। इसके बाद इसमें स्टफिंग को भरना है आलू का, जो मैंने बना के रखा है। चम्मच की मदद से मैं इसमें डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा ना डालें, नहीं तो फट जाती है पराठे। अब इसे धीरे धीरे प्रेस करते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। उसके बाद बीच बीच में आलू को दबाते जाएं। आप देख सकते हैं इस तरह से गोल कर ले अच्छे से। हाथों की मदद से थोड़ी सी चपटा कर ले। उसके बाद इसे मैं बेल लेती हूँ। देख सकते हैं हमारा एक बेल चुका है। और दूसरा तैयार कर लेती हूँ। दूसरा भी बिल्कुल उसी तरह से तैयार करना है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। देख सकते हैं इसे भी मैं बेल लेती हूँ। दूसरे भी बेल चुका है। अब मैं सारे को बेल लेती हूँ। अभी बेल के नहीं रखा है मैंने सारा। अब तवा गर्म हो चुका है, इसमें मैंने आलू का पराठा जो बेल के रखा था उसे डाल दिया। अब इसके ऊपर तेल डाल रही हूँ। इसे भी पलट ली, इधर भी तेल लगा दे। अभी से भी पलट ले। देख सकते हैं कितनी अच्छी पराठे बन के तैयार हो रही हैं। इसे प्रेस करते रहे ताकि ये फूले। दूसरा डाल दिया ताकि इसका सारा ऑयल है वो दूसरे पहले वाले पराठे में ना ज़्यादा ऑयल रहे। अब इसमें भी मैं ऑयल डाल रही हूँ। इसे भी मैंने पलट लिया। अब इसमें भी ऑयल डाल दूँगी। आप देख सकते हैं धीरे धीरे फूलती है प्रेस करने से। हमारे पराठे बिल्कुल भी नहीं फटते हैं अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो। अब मैं सारे पराठे बना लेती हूँ। आप देख सकते हैं हमारे सारे पराठे बन चुके हैं। इसको टमाटर की भुजिया या फिर आप सॉस किसी भी चीज़ के साथ ले सकते हैं। देख सकते हैं मेरे सारे पराठे। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।